नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही साउथ दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। वे 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन वाले घर में रहेंगे। सांसद रहने तक वे 19 साल तक तुगलक लेन इलाके में सरकारी बंगले में रहे। सांसदी जाने के बाद वो सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में शिफ्ट हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस घर में राहुल शिफ्ट होने वाले हैं वह दिल्ली की पूर्व सीएम दिवंगत कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का है। कांग्रेस का नया घर 1500 स्क्वायर फीट का है। इस घर से हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है और निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह थोड़ी ही दूर पर है। दिसंबर में जब राहुल दिल्ली आए थे तो वे इस दरगाह पर भी गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल जल्द ही अपने नए आशियाने में शिफ्ट होंगे। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित इस घर में 1991 से 1998 तक रही थी। इसके बाद वे 2015 से 2019 तक यहीं रही। हाल ही में उनके बेटे संदीप दीक्षित ने नोटिस जारी करके अपने परिचितों को बताया था कि वे भी इसी सोसाइटी के A5 में शिफ्ट होने वाले हैं। राहुल ने इस साल 24 मार्च को संसद सदस्यता रद्द होने के बाद 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था। तब से वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके आवास 10 जनपद पर रह रहे थे। इसके बाद से देश भर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और बड़े नेताओं ने राहुल को अपने घरों में रहने का ऑफर दिया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।